फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। और मैं वर्षा स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल वुमेन्स हेल्थ टॉक में, जहाँ पर हम बात करते हैं वुमेन्स के हेल्थ से रिलेटेड टॉपिक्स पर। तो आज हम जिस पर बात करने वाले हैं वो बहुत ज़्यादा कमेंट्स आ रहे हैं उसके बारे में, और बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आया है। तो वो है कि आपकी निपल्स में अगर खुजली है तो इसका क्या कारण हो सकते हैं। निपल्स में खुजली होना एक सामान्य बात भी हो सकती है, ये एलर्जी की वजह से भी हो सकती है, या फिर एक्जिमा का रीज़न भी हो सकती है। जैसा कि मैंने निपल्स पे खुजली पर पहले भी प्रीवियस में वीडियो बनाई है, अगर आपने नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और आज हम बात करेंगे निपल में एक्जिमा के बारे में। एक्जिमा जैसे कि आप जानते हैं खुजली होती है, और इसमें पपड़ी या दानेदार निशान बन जाते हैं, और इसमें लगातार खुजली होती है। अगर ये ज़्यादा होती है तो इसमें घाव भी बन जाते हैं। तो निपल एक ऐसी सेंसिटिव जगह होती है जहाँ पर कि अगर इस तरह की कोई प्रॉब्लम है तो फिर इसके लिए आपको दवा लेने से पहले भी कई बार सोचना पड़ता है। अगर आपके ब्रेस्ट में किसी तरह का कोई इन्फेक्शन, किसी डिस्चार्ज या रेडनेस, इस तरह की चीज़ें होती हैं, खुजली होती है, तो आपको सबसे पहले ब्लड कैंसर होने का संदेह होता है। तो फिर ऐसे में आप कैसे पता करेंगे कि ये खुजली है, या फिर आपको इसके लिए कुछ और ट्रीटमेंट लेने की ज़रूरत है, और इसके क्या रीज़न है, इसको कैसे ठीक किया जाता है, इसके लिए कब डॉक्टर से मिलना है, आज हम इसी पर पूरी बात करने वाले हैं। तो वीडियो की जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। फ्रेंड्स, आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, इसकी लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। चलिए हम जल्द ही गिव अवे करने वाले हैं। तो चलिए आज के टॉपिक पर आते हैं और बात करते हैं निपल एक्जिमा। एक्जिमा क्या होता है? एक्जिमा का मतलब है आपके किसी एरिया में खुजली होना, दाने होना, रेडनेस होना, या उस पर पपड़ी नुमा रचना बन जाना, ये होता है एक्जिमा। तो एक्जिमा सेम यही कंडीशन आपके निपल के एरिया में होते हैं, ओरियोला में होते हैं। बहुत सारी महिलाओं को ब्रेस्ट में खुजली या निपल में खुजली की समस्या होती है, पर वो ज़रूरी नहीं है कि वो एक्जिमा ही हो। एक्जिमा का आइडेंटिफिकेशन आप कैसे कर सकते हैं? अगर आपको एक्जिमा है तो आप उस पर घरेलू उपचार या फिर कोई ऑइनमेंट लगाते हैं, घरेलू तौर पर उसका ट्रीटमेंट करते हैं, होम रेमेडी अपनाते हैं, कोई क्रीम लगाते हैं, तो जो है वो उसको फ़ायदा नहीं होता है, वो खुजली जो है बनी रहती है। एक्जिमा के साथ साथ में कई बार ऐसा हो जाता है कि जो आप एक्जिमा समझ रहे होते हैं वो फॉगेट डिसीज़ हो सकती है। फॉगेट डिसीज़ जो है वो कैंसर का इंडिकेशन करती है, तो इसके लिए कभी कभी आपको मेमोग्राफी भी करवानी पड़ सकती है। ये सभी चीज़ें डिपेंड करती हैं कि उसके साथ में आपको क्या और सिम्टम आ रहे हैं। तो एक्जिमा जो है उसके रीज़न क्या है? एक्जिमा होने के बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं, जैसे कि आपको किसी चीज़ से एलर्जी है, जैसे कि आप कोई सोप यूज़ करते हैं और उसमें कोई फ्रेग्रेंस या केमिकल ऐसा है जिसकी वजह से वो उसके कांटेक्ट में आने पर आपको खुजली महसूस होती है, या फिर आप जो डिटर्जेंट यूज़ करते हैं, जो आप वॉश करते हैं अपने अंडरगारमेंट्स, उनमें उसके पार्टिकल जो रह जाते हैं उसकी वजह से भी आपको एक्जिमा हो सकता है। इसके अलावा आप बाथिंग सोप है या फिर कोई जेल है या परफ्यूम है, इस तरह की कोई भी चीज़ हो सकती है जिसकी वजह से आपको निपल में खुजली हो सकती है। तो जैसे कि मैंने कहा, एक्जिमा और फॉगेट डिसीज जो है वो फॉगेट डिसीज़ में आपको कैसे आइडेंटिफिकेशन करेंगे कि फॉगेट डिसीज़ है या फिर एक्जिमा है? फॉगेट डिसीज़ जब होती है तो आपको उस जगह पर रेडनेस, खराश के सिम्टम जो हैं वो आपको आ सकते हैं। इसके साथ में उस जगह पर फड़फड़ाने का एहसास भी में एक्जिमा है तो फिर आप क्या कर सकते हैं? अगर आपको निपल के एरिया में एक्जिमा है तो पहले तो आप उन चीज़ों को अवॉइड करें जो कि आपको शूट नहीं करती हैं, उनकी वजह से आपको ये एक्जिमा हो सकता है। जैसे कि कुछ खुशबूदार सेंट या परफ्यूम है, या आप जो सोप यूज़ कर रहे हैं जिसको यूज़ करने के बाद आपको इस तरह की प्रॉब्लम शुरू हुई है, चाहे वो बाथिंग सोप हो या डिटर्जेंट सोप हो, या फिर आपने कोई ऐसा ब्रा पहना हुआ है जो बहुत पैडेड है जिसमें हवा पास नहीं होती है, उसकी वजह से भी हो सकता है। कई बार नमी या सीलन की वजह से भी एक्जिमा हो जाता है। तो अपना जो कपड़े हैं उनको कंफर्टेबल पहने, बहुत ज़्यादा टाइट या बहुत लूज नहीं पहना है, पसीना आ रहा है तो उसको सुखा लेना है। और अगर आप कोई केमिकल या क्लोरीन वाले पानी में तैरते हैं तो उसमें जब भी आप जाते हैं पूल में जाते हैं, उसके बाद आने के बाद आपको अपने ब्रेस्ट को अच्छे से साफ करना है। कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आप कर सकते हैं
और इनसे क्योर करने से आपको जो खुजली की समस्या है वो ख़त्म हो सकती है। अगर इनसे आपको फ़ायदा नहीं मिलता है तो फिर आपको कौन कौन सी मेडिसिन या ऑइनमेंट है जो आप ले सकते हैं। इनमें सबसे पहले होता है एक मलहम है जिसका नाम है एलोकोन, या फिर आप ले सकते हैं एडवेटन, जो कि आपको दिन में 1 से 2 बार यूज़ करना है 7 दिनों के लिए। आप ब्रेस्ट फीड कराती हैं तो फिर ये मरहम है या लोशन है इसको यूज़ कैसे करें। अगर आप ब्रेस्ट फीड कराती हैं और बच्चा स्तनपान करता है तो फिर आपको ये बहुत कम क्वांटिटी में लेना है, और ये जब लगाना है जब बच्चे को फीड करा चुकी हो, उसके बाद आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। और दोबारा आपको फीड कराने के पहले अपने ब्रेस्ट को अच्छे से वॉश करना है, तो ये चीज़ आपको ध्यान देनी है। इसके बाद आप यूज़ कर सकते हैं हाइड्रोकार्टिसोल, ये आपको 3 दिन तक यूज़ करना है। ये एक ऑइनमेंट है जो कि आपको ब्रेस्ट पर अप्लाई करना होता है। कुछ बातें हैं जो आपको ध्यान देनी है। सबसे पहले आपको परफ्यूम वाली चीज़ों से दूर रहना है, डिटर्जेंट सोप से दूर रहना है, इस जगह पर अप्लाई नहीं करना है, फ्रेग्रेंस से दूर रहना है। इसके बाद में आपको पैडेड ब्रा यूज़ नहीं करनी है, क्लोरीन वाला जो पानी है उसमें नहीं जाना है, बारिश में बहुत देर तक भींगना नहीं है, नमी से बचना है। अगर आपको जो किसी तरह का डिस्चार्ज हो रहा है निप्पल से तो फिर आपको गायनिक से मिलना है, उसका चेकअप कराना है। तो ये जानकारी थी ब्रेस्ट एक्जिमा के बारे में। अगर आपको जानकारी पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।